आरोग्य विभाग की गंभीर बेदरकारी सामे कोईपण जातना लैब टेस्ट वगर ज महिला रिपोर्ट ला दीधो पॉजिटिव। महिला और स्थानिकोए विरोध करता टीम वीला मोटे परत फरी थी। आरोग्य विभाग की टीमें महिला की माफी मांगी थी। उमरपाड़ा तालुकाना जरावाड़ी गामे आरोग्य विभाग की गंभीर बेदरकारी सामे आवी छे। गामनी आशा वर्कर मंजुला वसावानो कोईपण जातनी लैब चकासणी वगर ज कोरोनानो रिपोर्ट पॉजिटिव लावी दीधो हतो। घटनामां पूरू आरोग्य विभागनी टीम आशा वर्कर महिलाने लेवा तेना घर पर 108 लई वाजते गाजते पहोंची हती। जो के महिलाए विरोध करता समग्र घटना बहार आवी हती। कोरोना पॉजिटिव अमारो अचानक ज पेलो हूँ के सांभळीने मैं तो चौंकी गई। मैं कि मारू सैम्पल नहीं आप कशु कहीं टेस्ट नहीं करो कहीं नहीं तो मारू सैम्पल पॉजिटिव कई रीते आए एटले मैं गभराई गई। पछी पीएससी की गाड़ी आई मेडिकल ऑफिसर भी हाथे था एमने कहे कि तमारो पॉजिटिव आयो है तो तमारे सूरत जवू पड़से 14 दिवस तमारे त्यां रहेवू पड़से एवं कीधु। एमने मैं कीधु कि मारो कि कोरोना पॉजिटिव आयो मैं कोई कोई टेस्ट नहीं करायो कोई सैम्पल नहीं लीधु कशु नहीं मारो तो मैं केम केम अहींयाथी घर छोड़ीने जावे मारो सैम्पल जो पॉजिटिव आवते लोही लेते मारो तो मैं मानते कि मारो कोरोना पॉजिटिव आयो छे। कोण कोण लेवायलु कोई टीम आरोग्य टीम आरोग्य टीम में तो पीएससी की गाड़ी आवेली ने मेडिकल ऑफिसर आवेला पछी थोड़ी वार में टीएचओ आवेला। બેન સેમ્પલ લીધા તીરા ટાઈમ હાજર હતા કે નહીં હતા? ના નહીં હાજર નહીં હતી મેં તે દિવસે કોના કોના સેમ્પલ લીધેલા એ મને ખબર નથી કોના કોના લીધા એ। कोरोना जेवी गंभीर बीमारी होवा छतां आरोग्य विभाग की आटली बेदरकारी सामे सवालों उठी रह्या छे। बे दिवस अगाउ उमरपाड़ा तालुका ने आशा वर्कर बहनोना सैम्पल लेवामां आव्या हता परंतु तेज दिवसे मंजुला बहेनना नजीकना सगानुं मोत थता मंजुला बहेन बहार गाम हता अने सैम्पल लेवामां आव्युं न हतुं। परंतु आजे ज्यारे एमना घरे आरोग्य विभागनी टीम पहोंची अने कोरोना पॉजिटिव होवानुं जणाव्युं त्यारे मंजुला बहेन चौंकी उठ्या हता। કેમ કે એમનું તો સેમ્પલ જ લેવાયું ન હતું। જો કે સ્થાનિકો ભેગા થઈ વિરોધ કરતા પોલીસ સાથે પહોંચેલી આરોગ્ય વિભાગની ટીમે વીલા મોઢે પરત ફરવું પડ્યું હતું। જો કે ઘટનાની જાણ સ્થાનિક કોંગી નેતાઓને થતા નેતાઓએ ઘટના સ્થળે પહોંચીને આરોગ્ય વિભાગનો ઉતડો લીધો હતો। જો કે પરિસ્થિતિ પામી ગયેલા આરોગ્ય વિભાગે મહિલાની માફી માંગી ત્યાંથી ચાલતી પકડી હતી। જો કે કોંગી નેતાએ સમગ્ર ઘટનાને ભાજપ સરકારનું એક આદિવાસીઓને ભયભીત કરવા માટેનું ષડયંત્ર ગણાવ્યું હતું અને સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપો પણ કર્યા હતા। ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।